जी, ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, पास पेपर्स में थे एफपीएससी के, तो देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। फाइंड द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर बताना है जी, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर पता नहीं क्या है, फिर 13 है, फिर 17 है। तो बहुत ईजीली समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखें, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 3, 5, 7 के बीच में तो ऑड आ जाता है, ठीक है। तो ये आप पे तो फिर 9 भी होना चाहिए, मगर 9 के बाद 11 भी तो होना चाहिए, तो फिर 13, 17 आएगा। तो 2 मिसिंग होने चाहिए थे, बट 2 तो मिसिंग नहीं है, 1 मिसिंग है। तो इट्स मीन ये ऑड नंबर तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर कौन सा ये पैटर्न चल रहा है? तो ऑड नंबर नहीं चल रहा, तो फिर देख लेते हैं। 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स में आते हैं, और 9 प्राइम नंबर में नहीं आता, 11 प्राइम नंबर में आता है, फिर 13 है, फिर 17 है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका पैटर्न जो है, हमें पता लग गया है कि प्राइम नंबर है, ठीक है। दो ही पैटर्न बन रहे थे, ऑड नंबर बन रहा था, तो ऑड नंबर देखा वो एग्जैक्टली नहीं बन रहा, तो फिर इट्स मीन ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 3, 5, 17, 9, 17, 13, 13, 17, 19 और फिर आगे 23, इस तरह ये प्राइम नंबर चलते रहते हैं। तो हेयर इज़ आवर आंसर, वेरी सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 4, 8 और 4 का जो है वो 32 है, तो बताएं 7 और 5 का क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन यार, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 32 होता है, तो 7 और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो तो फिर 35 होता है। तो 35 इज़ द आंसर। तो इतने ईजी क्वेश्चन एफ वी एस सी के पेपर्स में, लेट्स सी जो भी थे आपके साथ एक्सप्लेन कर दी।